वालेकुम गाइस, कैसे हो यार? तुम सब उम्मीद है यार तुम सब ठीक ठाक हो गए। तो यार मुझे पता है काफी टाइम के बाद आए ब्लॉग, ये तो बस ब्लॉगर ही गायब हो गया यार। खैर तो यार अभी आके ब्लॉग, आज का कुछ ऐसा सीन है कि हमारे घर के ऊपर एक नाइट बारबेक्यू सीन है जिसमें कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है। तो लेकिन उससे पहले कुछ काम है, वो काम कर लेते हैं। तुम लोग देख सकते हो यार पीसी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि असल में पीसी जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इस वजह से यार उसको गाड़ी में रखा हुआ है। अभी उसको लेके जाएंगे, ड्राइवर के साथ जाएंगे, क्योंकि गाइस वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज बहुत होते हैं। तो चलो यार हम लोग निकलते हैं। तो यार गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। यार तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये चेक करो यार, अभी हम रेडी हो चुके हैं और बारबेक्यू के लिए लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी मतलब अभी कोई आया नहीं है, 7:30 तक आएंगे। और अभी हमने जाना है कुछ काम से भी, तो वो काम से भी चलते हैं। बाकी उसके अलावा यार कंप्यूटर का तो काम के लिए मैं चला गया था, तुम लोगों ने पिछली वाली क्लिप में देखा होगा, वो वापसी की क्लिप है। सही है गाइस, तो असल में हुआ ये कि कंप्यूटर का काम हुआ नहीं, क्योंकि उनके पास स्टॉक में नहीं था। जो चीज़ खराब हुई है, मदरबोर्ड खराब हुआ है, मदरबोर्ड उनके पास स्टॉक में था नहीं, तो इस वजह से बस यार अब वो मंडे तक वेट करना पड़ेगा। मंडे को फिर उसका कुछ होगा। चलो गाइस फिर मंडे को जब वो उसके मदरबोर्ड का काम हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम लोगों के लिए जीटीए की वीडियोस वापस आना शुरू हो जाएंगे। चलो गाइस अब शुरू करते हैं। कल रात को हमारा बारबेक्यू हो गया था, तुम लोगों ने क्लिप्स देख ली हैं। और बस बारबेक्यू में एक तो सबसे बड़ा मसला यार तुम लोगों को मैं बताऊं क्या हुआ था, आग ही नहीं लग रही थी यार। मसला सारा ये हुआ था, असल में हुआ ये था यार कि अब जो है ना मैंने सबसे पहले पूछा कि व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग, तो किसी ने मिट्टी का तेल जो है ना वो किसी ने भी नहीं मेंशन किया कि मिट्टी का तेल भी चाहिए, और मुझे भी याद ही नहीं था कि मिट्टी का तेल चाहिए। अब जब कोयले हमने देखे तो कोयले पड़े हुए थे अब, लेकिन वो थोड़े कम थे, मैं नए कोयले लेकर आया हूँ। और उसके बाद यार फिर तुम लोगों को पता है क्या हुआ, उसके बाद जब कोयले आ गए उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यार मिट्टी का तेल तो लेकर ही नहीं आए यार, फिर मैं सोच पड़ गया मैं क्या करना है ना। तो खैर उसके बाद फिर हुआ ये कि एक दोस्त ने कहा कि मिट्टी के तेल की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर कर लेंगे हम लोग। उसके बगैर ही क्या, मिट्टी के तेल हमने नहीं यूज़ किया गाइस, तो ये सीन हुआ। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलों से आग लगी, तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लगा यार आग लगने में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है उसके ऊपर बारबेक्यू वगैरह स्टार्ट किया है और पूरा बारबेक्यू किया है, बहुत चिल सीन था यार। और फिर उसके बाद सुबह के 6 बजे तक तो तकरीबन जागे रहे हैं। और फिर एक दोस्त जो है वो नाइट स्टे के लिए रुक गया था, क्योंकि वो थोड़ा दूर रहता है, तो उसका थोड़ा इशू था कि यार वापसी घर इतना लेट मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार आजकल के हालात क्या हैं। तो फिर वो खैर बाद में घर चला गया था, और फिर उसके बाद मैं भी सो गया था। फिर मैं तकरीबन जो है अभी तुम लोग देख सकते हो अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी इस वक्त 5 बज रहे हैं, मैं तकरीबन फिर 3 बजे उठाऊँ, 2-3 बजे मैं तकरीबन उठाऊँ। और उसके बाद अब मैंने जाना है, अभी बस चाय वाय पीऊँगा और उसके बाद मैंने जाना है। बहन को फिर मैंने जो है एक जगह पे ड्रॉप करना है कज़न की तरफ, और फिर उसके बाद मैं वापसी घर आऊँगा। और सबसे बड़ा मसला ये कि यार मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकता ज़्यादा दूर। तो यार अभी बहन जो है तुम लोग देख सकते हो मैं अपनी गाड़ी में नहीं हूँ, तुम लोगों को मेरी गाड़ी का तो आइडिया है। और अभी तुम लोग देखो मैं किस गाड़ी में हूँ, तो यार ये बस ताया की गाड़ी है। अब इसका मसला एक ये है कि टेंट नहीं है ना, तुम लोगों को मैं मसला बता चूंगा मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके जा सकता, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस है, तो यार फजूल में रिश्वत और चलान के चक्करों में जो है पड़ना ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी में नहीं हूँ और ये ताया की गाड़ी में, ये टेंट नहीं है, तो यार बहुत अजीब लग रहा है गाड़ी चलाते हुए। खैर मैंने बहन को ड्रॉप तो कर दिया हुआ है, तो बस ये सीन है कि अभी मैं वापसी घर जा रहा हूँ, और फिर जब उसको लेना होगा तो उस वक्त मैंने कुछ दोस्तों की भी चीज़ें ड्रॉप करनी है, फिर वो दोस्तों की चीज़ें ड्रॉप करते हुए फिर घर जाएंगे वापस। तो तुम लोगों से फिर मैं वापसी में गाड़ी में मिलूंगा जब मैं वापसी निकलूंगा, ठीक है। तो तुम लोग ये देख सकते हो अभी यार यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, एक तो संडे होता है ना तो संडे को ट्रैफिक बहुत होती है यार। तो चलो यार अब तुम लोगों से मैं मिलता हूँ जब मैं जो है वापसी के लिए निकलूंगा बहन को लेने के लिए। और यार तुम लोगों को एक चीज और मैं बताना भूल गया, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार MSQ भाई आपके पास तो आईफोन होता था 11 Pro Max, उसी के ऊपर सिम वगैरह भी होती थी, ये सारा सीन था। तो भाइयों तुम लोगों के भाई ने जो है फ़ोन चेंज कर लिया है, आईफोन 13 ले लिया है तुम लोगों के भाई ने, और आईफोन 13 नॉन PTA है। उसके साथ यार एक ये बस एंड्रॉयड फ़ोन लिया है, तुम लोग देख सकते हो ये सस्ता एंड्रॉयड फ़ोन था, ये PTA अप्रूव्ड है, सिम इसमें लगी हुई है। और आईफोन जो है वो नॉर्मल डेली यूज़ के लिए, मतलब वो प्रॉपर सही यूज़ है, उसमें व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है। ये एंड्रॉयड फ़ोन सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिम यूज़ करने के लिए, तो ये सीन है। तो तुम लोगों के अगर ये कन्फ्यूजन थी तो वो क्लियर भी हो गए। चलो यार अब तुम लोगों से मैं मिलता हूँ फिर जब वापसी में निकलूंगा, सही है, ओके बाय। तो यार गाइस मैं जो एक रील वगैरह दोस्तों को देख के आ गया था, बहन को मैं घर लेके आ गया था, और मैं ब्लॉग की एडिटिंग करना भूल गया था। तो यार भाई
ये ब्लॉग का एंड है। होपफुली तुम लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब करो ताकि भाई तुम लोगों का भाई जो है वो आगे बढ़े ना यार। तुम लोग क्या नहीं चाहते हैं तुम्हारा भाई आगे बढ़े, चाहते हो ना यार, तो सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो यार तुम लोग तो यार। और अपने दोस्तों के साथ भी ब्लॉग को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब बटन यही नीचे है इसको दबाओ, साथ में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को तुम लोगों ने ऑल पे करना है, सही है ना गाइस। तो चलो यार तुम लोगों से अगले ब्लॉग के अंदर मुलाकात होती है और अगली GTA की वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।